ऐसा लगता है सच्ची में तो छोटी भाऊ अब आने वाली है इस घर में। भैया राधिका ने अभी तक हाँ नहीं कहा है। पर क्यों देव, राधिका तो तुझसे प्यार करती है। वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है भैया, और सब लोगों की खुशी में अपनी खुशियां लुटा देने वाली राधिका अपनी बहन के लिए सबसे पहले अपने प्यार को भुला देगी। अरे तो तूने उसे बताया क्यों नहीं कि विशाखा खुद यहाँ वापस नहीं आना चाहती? मैंने उसे बताया था भैया, इसलिए उसने मुझसे ना भी नहीं कहा। देव सब ठीक हो जाएगा, तेरे प्यार ने पहले भी बहुत इम्तिहान दिए, इसे एक और इम्तिहान समझ ले। माँ बाबूजी को समझाइए ना, वो गुस्से में आकर ये निर्णय ले रहे हैं। मैं जानती हूँ विशाखा जरूर लौट कर आएगी, उन्हें कहिए कि मेरा उनसे विवाह कराने का विचार त्याग दें। मैं उनसे ऐसा कैसे कह सकती हूँ राधिका, ये विचार तो मैंने ही उनके मन में डाला है। हाँ राधिका, मैं भी यही चाहती हूँ कि तू उसी घर चली जाए जहाँ की छोटी बहू बनना तेरे भाग्य में लिखा है। या, क्या कह रही है माँ? तुझे याद है एक बार मैंने तेरे बाबूजी से बात करने की कोशिश की थी, घेरों के समय क्या हुआ था ये बताना चाह रही थी। तो याद है उन्होंने क्या कहा था कि जो कुछ भी हुआ है वो घोर पाप है, मैं इस पाप से उबरना चाहती हूँ, मुझे इस पाप का प्रायश्चित करने दे राधिका। विशाखा कभी भी इस घर की जिम्मेदारियां निभाने में इंटरेस्टेड ही नहीं थी, इसलिए उसे इस घर से निकालना आसान था। लेकिन राधिका, राधिका इस घर के लिए आइडियल छोटी बहू है, उसे इस घर से निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा। एंड बाय द वे, तुम जानते हो ना कि इस सब का तुम पर क्या असर होने वाला है? तुम्हारे राजपुरोहित बनने के ड्रीम्स का क्या होगा? और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए बहुत जल्दी वो इस घर को इसका वारिस दे देंगे, फिर सारी चाबियां चली जाएंगी उस छोटी बहू के हाथों, फिर बहलाना हाथ एक एक पैसे के लिए उस नौकरानी के सामने। नहीं 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 भाभी, ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। बहुत भाग्यशाली होते हैं वो जिन्हें तुम्हारे जैसी पुत्री मिलती है बेटा। मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूं, डोली में बिठाकर तुम्हारी विदा करना चाहता हूं। हमें पुरोहित परिवार को एक निश्चित तिथि तो बतानी होगी ना, अगले सोमवार का मुहूर्त अत्यंत शुभ है, उस दिन मैं गणेश पूजन का आयोजन करना चाहता हूं जिसमें समस्त पुरोहित परिवार आमंत्रित होगा। मेरी इच्छा है राधिका कि उस दिन उस पूजन में तुम देव बाबू के साथ बैठो। उस दिन गणेश पूजन में देव बाबू के वाम अंग बैठना ही तुम्हारी हां होगी। ये तो क्या कह रहा है, राधिका और देव बाबू एक साथ पूजा में? हेलो हेलो, कौन जी? मैं राधिका। क्या हुआ इतनी रात को अचानक, सब कुछ ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, वो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अभी? जी अभी इसी वक्त, मैं आपका घाट पर इंतजार करूंगी। मैंने आपको अपना फैसला सुनाने के लिए नहीं बुलाया है, मैं आपसे कुछ और बात करना चाहती हूँ।